हाँ अभी पाकिस्तान वालों सूजी है, सूजी तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा होगी, अब जाके मलम पट्टी कर लो, ठीक हो जाओगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा रहे ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच जो श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर जो पहला टेस्ट मैच है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला गया, जहां पर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली इनिंग में 448 6 विकेट के नुकसान पर अपने 113 ओवर में बनाकर उन्होंने डिक्लेयर की थी। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग 448 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर की, वही बांग्लादेश जो है अपनी पहली इनिंग में 565 रन बना पाया। उन्होंने 167.3 ओवर का सामना किया और बांग्लादेश ने जो है इस मैच में लीड ले ली। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की दूसरी इनिंग को, तो पाकिस्तान जो है केवल 146 रन ही बना पाई और पाकिस्तान की सारी टीम दूसरी इनिंग में 146 रनों पर ढेर हो गई और केवल 55.5 ओवर ही पाकिस्तान की पूरी टीम खेल पाई अपनी सेकेंड इनिंग में। और वहीं बांग्लादेश को जो है केवल 30 रनों का लक्ष्य मिला इस टेस्ट मैच में और बांग्लादेश ने जो है 10 विकेट, जी हाँ दोस्तों बांग्लादेश ने 10 विकेट से बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान पर हासिल की अपने पहले टेस्ट मुकाबले में, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर की थी। जी हाँ दोस्तों पहली इनिंग डिक्लेयर करने के बावजूद जो है पाकिस्तान हार गया है। मुझे तो हंसी आ रही है आपके भी बताते हुए भी, पाकिस्तान जो है इनिंग डिक्लेयर करने के बाद भी हार चुका है बांग्लादेश से, वो भी 10 विकेटों से। जी हाँ दोस्तों 10 विकेटों से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रौंद डाला और बांग्लादेश जो है को जो टारगेट मिला था वो 30 रनों का था और जो बांग्लादेश ने केवल 6.30 ओवर में, जी हाँ दोस्तों 6.3 ओवर में ही ये जो 30 रन का जो टारगेट मिला था ये हासिल कर लिया और बगैर कोई विकेट कोई, और 10 विकेट से बहुत बड़ी जीत जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर अर्जित की है। और दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम दोस्तों।